सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और तमाम प्रदेशवासियों की ओर से हमारे महबूब नेता प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अपनी बात अभी कहेंगी आपको। उनका संदेश पूरे देश के अंदर युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को किस रूप में पहुंच रहा है, इस बात का एहसास हम सबको है। जब वो बात कहती है अपनी तर के साथ में, तो पूरा देश सुनता उस बात को, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, बहुत खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। इस माहौल के अंदर हम लोग चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम इस माहौल के अंदर मुकाबला करें उन ताकतों का जो फासिस्ट है। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर उन लोगों का, मुकुटा पहले लोकतंत्र का, वो सत्ता में आ गए हैं। 9 साल हो गए उनको, जो वादे किए थे झूठे साबित हुए तमाम वादे। इस रूप में देश आज जिस रूप में शासन देख रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि जुडिशियल दबाव में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहां क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भोपाल के अंदर एनसीपी के बारे में, वहां करप्शन बहुत भयंकर है 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहां पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है। राजस्थानवासी बहुत सचेत हैं, हमारी गवर्नेंस को लेकर के लोग इस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में आज गवर्नेंस चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, और इसी में चलती जाएगी। आज प्रियंका जी बैठी हुई है, अभी आप बताइए जिस रूप में जिनके परिवार इंदिरा जी का, आप लोग शांति रखिए, शांति रखिए, डर जाइए। जिस रूप में आप लोग यहां बैठे हुए हैं, जिस रूप में मिशन 2030 की बात की हम लोगों ने, शानदार मिशन आगे के लिए, हमारी गारंटी के रूप में आएगा प्रदेशवासियों के सामने। आपको इन्हें खुशी होगी, 1 लाख का टारगेट हमने बनाया था राय लेने के लोगों से। अभी तक 50 लाख लोगों ने अपनी राय दे दी है। इस बात का मुझे गर्व है। जिस पर कॉर्नर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, दिलों में मोड़े हमारा देश दुनिया में चला गया, मुझे गर्व महसूस हुआ। प्रदेशवासियों का आह्वान करते हैं, तमाम मतभेद भूल करके तमाम लोग गरीबों की सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार से कोई भूखा नहीं सोया, अच्छा इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। आप सोच लीजिए, ये गर्व करने वाली बात हमारे लिए है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोई कमी रखी नहीं है। कोरोना के अंदर भी 2030 का मिशन सोच समझ के बनाया गया है। जाता वो रास्ता नहीं रहा है जो कोई जमाना था, रेगिस्तान अकाल से पढ़ते रहते थे लोग, तकलीफ में थे। अब राजस्थान शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर नंबर 1 हो गया देश के अंदर। अनेकों पैरामीटर है जहां राजस्थान, अभी वक्त नहीं मैं बताऊं क्योंकि प्रियंका जी को हम सुनना है, पर अधिकांश क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 है। उत्तर भारत में हमारी आर्थिक विकास दर नंबर 1 है उत्तर भारत के अंदर। राजस्थान का बड़े राज्यों में
बड़े राज्य में नंबर दो पर है, नंबर वन आंध्र प्रदेश 11.4% और हम लोग हैं 11.04% पर। आप सोच सकते हो आर्थिक रूप से हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 4 साल में जीडीपी हमारी 6 लाख करोड़ बढ़ चुकी है, पूरे जो वित्तीय वर्ष खत्म होगा 15 लाख तक पहुंच जाएगी। और टारगेट मैंने हमने 2030 का वो बताया है 30 लाख करोड़ तक की जीडीपी जाएगी राजस्थान के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ ईश्वर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के साथ में राजस्थान प्रगति कर रहा है, इसीलिए एक के बाद एक स्कीम ला रहे हैं। 10 योजनाएं दी हमने, वादा किया जिस प्रकार से वादा किया था हम लोगों ने, महंगे राशि में लागू हो गई हो, लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएससी सीएल कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून बनाए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो गई, कहा था ये स्पाइक रहेगा कांग्रेस का, पोल खुल गई, लाखों लोगों की जिंदगी बची है अगर नरेगा में, तो लाखों लोग जिंदगी बचाई है, नरेगा ने बचाई है। हमने मांग करी प्रधानमंत्री जी से 5 कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। प्रियंका जी को मैं कहना चाहूंगा आप जाके पैरवी करें, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिले, परिवार की देखभाल सरकार करे। हमने 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने पेंशन दे रहे, हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निस्वजनों को। इस रूप में मैं समझता हूं कि पहली बार मैंने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया, देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने घोषणा करी किसानों का अलग बजट पेश किया जाएगा। तो आप सोच सकते हो इस रूप में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कदम पब्लिक के अंदर जहां पहुंचे, गांव गांव में ढाने जाने के अंदर, जहां कहीं मैं जा रहा हूं लगता है कि इस बार जो है माई बाप आप लोग होते हो, आप तय करोगे सजा उसकी बनेगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं आप लोगों को। ईआरसीपी की योजना, ईआरसीपी की प्रधानमंत्री छोटा बाजा के राजस्थान से काम शुरू नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी जिद है हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, और मेरी जिद है ईआरसीपी बना के रहूंगा जिसमें टॉन जिला भी उसके अंदर आता है। इसलिए मैंने कहा आपको, आप निश्चिंत रहें, हमने जो सेवा करी है हर वर्ग की, गायों की, गौशालाओं की, इतिहास बन गया उसका। लंबी रोड में गाय बन गई, 40,000 रुपये हमने दे दिए, देश में कहीं भी नहीं मिले। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है, मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहरों के अंदर 1,000 रसोई चल रही है, बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि इन रसोई से क्या फायदा मिलता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्ती है, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है उन सब का आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहां खा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया वहां जाकर के, साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको, गर्म खाना शानदार तरीके से, पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर, खाने के पैकेट दिए जाते पहले, अब नहीं है, बैठाओ खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी, 25 सितंबर तक 1,000 रसोई काम शुरू रही गाँव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुझे खुशी है आज प्रियंका जी
आई है जिसके बारे में अभी सचिन पायलट साहब कह रहे थे, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, इनके परिवार के संदेश पूरे देश के अंदर है। मैं कहना चाहूंगा 30 साल से इस परिवार का कोई सदस्य ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना केंद्रीय मंत्री बना। आप सोच लीजिए 30 साल से कोई पद में आया नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो 8 लाख गांव है देश के अंदर, बढ़ गए गांव, बढ़ गए 8 लाख गांव में हमारे कार्यकर्ता, वहां की जनता अगर गांधी परिवार चाहती है, ये परिवार सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के साथ में, सभी भाषा बोलने वाले के साथ में, अलग अलग प्रदेशों में लोग रहते हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उन सबका केंद्र बिंदु है, विश्वास करते हैं। और कांग्रेस की धुरी बनी हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा आपको, अमित शाह जी को, बार बार आपको गांधी परिवार का नाम लेना क्यों पड़ता है? क्यों आप डरे हुए हैं? आप भयभीत है इस परिवार के नाम से ही, और हमें गर्व है कि इस परिवार का नेतृत्व हमें मिल रहा है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इतिहास बना दिया है, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बने दिया, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी जमाने के अंदर, वो इंदिरा गांधी महान नेता थी। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जिस रूप में त्याग, बलिदान, कुर्बानियों की कहानी आजादी की पहले की भी, आजादी के बाद की आपके सामने, इनको पूछो बीजेपी वालों को, आप कहां थे आजादी जंग के अंदर? क्या आपने अपनी उंगली भी कटाई थी क्या उस जमाने के अंदर, जिसने सब कुछ ध्यान सुपुर्द कर दिया देश को, देशवासियों, इलाहाबाद का आनंद भवन हो, सब कुछ दे दिया, उस परिवार के बारे में बार बार उंगली उठाई जाती है, जनता समझ गई है। और जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देश की जनता का, कब हटा दे आपको, घर भेज दे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इतना घमंड अहम काम नहीं आता है। ये घमंड अहम में सरकार चल रही है, मार्केटिंग कर रही है, अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारी तमाम योजनाएं एक से एक बढ़कर जो है, तमाम योजनाएं कोई मिसाल नहीं है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सोच सकते हो जिस प्रकार से हमारी योजना बनी है, एक के बाद एक, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए बेमिसाल है, हमें मानना पड़ेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ सबको बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका। मुझे खुशी है कि आप लोग भरे हुए इधर से दोनों वर्ष, तीनों जो डॉम बने हुए हैं आप लोग पधारे, आपका स्वागत है, आपका यही विश्वास, आपका यही आशीर्वाद, आपकी यही दुआएं, आपका प्यार मोहब्बत, वो हमारे साथ में है, यही हमें कामयाबी दिलाएगी, सरकार रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है इन सबों के साथ में। अंत में पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से प्रियंका जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।